प्रणव शगोत्रा नाम के आप सबको जानकारी में, ये नौजवान यूथ लीडर था, इलेक्शन के जरिए ये स्टेट का प्रेसिडेंट बना था कांग्रेस का, और इन्होंने अपनी 4 साल की टर्म बखूबी जम्मू कश्मीर में पूरे तब लद्दाख भी साथ था, जगह जगह यूथ को ऑर्गेनाइज मोबिलाइज करने का काम किया, और बाद में दूसरे इलेक्शन में ये चुनाव से बाहर रहे और तब भी कांग्रेस का काम करते रहे, पर कुछ अपने जाति कारणों की वजह से उस वक्त ये दूसरी पार्टी में चले गए, और पिछले 1 साल से इनके साथ हमारी लगातार बात हो रही थी, और शायद ये खुद भी बता पाएगा कि एक नेशनल पार्टी के स्टेट लेवल के ओहदे पर ये बैठे थे उसमें, और एक छोटे से आउटफिट में जाकर के इनका रोल क्या रहा होगा, इनकी आइडियोलॉजी जो बेसिकली थी वो उसमें मिली ना मिली, वो ज़्यादा खूबसूरती के साथ ये खुद भी आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। और दूसरे साथी हमारे इरफान नतीब साहब श्रीनगर से, ये भी बहुत ही सेकुलर और नेशनलिस्टिक नौजवान श्रीनगर से था, और काफ़ी ज़हानत के साथ में पार्टी के लिए काम कर रहे थे, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के ये प्रेसिडेंट थे, सबसे कम उम्र के ज़िला प्रेसिडेंट थे श्रीनगर के, मगर 6-7-8 मार्च 2020 शायद उसमें जो भी हालात थे, सारा जम्मू कश्मीर लॉकडाउन में था, मगर अंदर अंदर से जो एजेंसीज काम कर रही थी या दिल्ली में पार्टियां तैयारी कर रही थी, तो उस फेज में क्या सिचुएशन हुई वो भी ये खुद बता पाएगा, मगर बेसिकली इसके रगों में सेकुलरिज्म का और कांग्रेस का खून भरा हुआ था, और किन मजबूरियों में उस वक्त इसको भी निकलना पड़ा, और 1-1.5 साल पहले इन्होंने उस पार्टी से इस्तीफा दिया है, और इस्तीफा देकर के ये फिर एक किस्म से मेन स्ट्रीम नेशनल पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं जुड़े रहे। तो आज इन दोनों नौजवान साथियों को वापस हम पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, इनके ख्वाहिशात के मुताबिक, इनकी इच्छा के मुताबिक, और मैं इधर देख लो हुई थी 1 साल पहले, और इस चीज़ से तो कोई छुपी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सेकुलरिज्म की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी बात करती है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेकर चलती रही है। पिछले 1 साल से हम रीजनल पार्टी में थे, और वहाँ पर जाकर हमने एक चीज़ देखी, जो सेकुलरिज्म की बात कांग्रेस पार्टी
पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में कर सकती है वो कोई और पार्टी नहीं कर सकती। यहाँ पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, ये लोग सिर्फ यहाँ पर बांटने की राजनीति करते हैं और रिलीजियस की पॉलिटिक्स करते हैं, रिलीजन की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हमें बहुत अच्छा लगा कि हम अपने परिवार में वापस आए और खुलकर हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ लेकर हम आगे चलेंगे और आने वाले समय के अंदर भाईचारा कायम करेंगे और इलेक्शंस के अंदर भी हम अपना पूरा योगदान